जय भीम फुल जोहार। सम्मानित मंच और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित जन, दोस्तों, आसमान बहुत विशाल और विस्तृत होता है। आसमान में छेद करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन शायरों ने, लेखकों ने, चिंतकों ने, विचारकों ने उसका रास्ता बनाया और बताया कि आप आसमान में भी सुराख कर सकते हैं अगर तबीयत से पत्थर उछालेंगे तब होगा। आज का जो आयोजन है, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इसकी जरूरत क्यों है, नए संगठन या नए बैनर की जरूरत क्यों है। वैसे ही समाज में हमारे बहुत सारे बैनर काम कर रहे हैं। जिस तरह से इसकी तैयारी लगातार हो रही थी और रतनलाल जी जिस जिद के साथ, जिस जज्बे के साथ इसमें लगे हुए थे, तो मैं इस मन से ये जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो आयोजन है या इस तरह के जो आयोजन है, ये ब्राह्मणवादी आसमान में अम्बेडकरवादी पत्थर को तबीयत से उछालने का काम कर रहे हैं। और मैं अपील करता हूँ कि यहाँ इस तरह की बातें हो, यहाँ इस तरह की सोच, इस तरह की समझदारी हम लेकर जाएं कि यहाँ से निकली हुई आवाज दूर तलक ही नहीं जाए, बल्कि देश के कोने कोने में यहाँ की आवाज जानी चाहिए।